नमस्कार। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राज्यसभा टीवी के दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं शम्स तबरेज। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश ने आन बान और शान के साथ मनाया 72वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर हुए मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराकर ली परेड की सलामी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। राजपथ पर दिखा भारत की सैन्य ताकत का अद्भुत नजारा। राफेल की गर्जना से गूंजा आसमान। परेड में नारी शक्ति की दमदार उपस्थिति। बांग्लादेश का सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल। विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों और विभागों की 32 झांकियों में दिखाई दी देश की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर मॉडल और अयोध्या में दीपोत्सव का प्रदर्शन। पहली बार शामिल हुई लद्दाख और कोविड-19 की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और असम से गुजरात तक सभी राज्यों की राजधानियों में लहराया तिरंगा। परेड में किया गया प्रदेशों की संस्कृति का प्रदर्शन। भारतीय दूतावासों में भी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने जमकर की हिंसा, मचाया उपद्रव। ट्रैक्टर रैली के रूट पर दिल्ली पुलिस के साथ बनी सहमति का किया उल्लंघन। बैरिकेड तोड़कर लाल किले में हुए दाखिल। शुरुआत 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की खबरों के साथ। देश भर में पूरे आन बान और शान के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में राजपथ पर हुआ, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। राजपथ पर देश की संस्कृति, परंपरा और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि कोरोना के मद्देनजर गणतंत्र दिवस परेड में कई तरह के बदलाव भी नजर आए। राजपथ पर कदम ताल मिलाते जवान प्रतीक हैं देश की बढ़ती ताकत और शौर्य का। ये नजारा बता रहा है कि धरती, आकाश और जल, हम हर जगह मुस्तैद और सतर्क हैं। राजपथ पर तीनों सेनाओं ने जहां अपनी ताकत से लोगों को रूबरू कराया,
वहीं रंग बिरंगी झांकियों के जरिए लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत को देखने और समझने का मौका मिला। समारोह की शुरुआत शहीदों को नमन करने के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजपथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आगवानी की। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तिरंगा फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ ही राजपथ पर परेड की शुरुआत हो गई और राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। राजपथ पर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने परेड की अगुवाई की। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा आज की परेड के परेड कमांडर। फिर राजपथ पर परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का काफिला निकला। सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च सम्मान है और अशोक चक्र शांति के समय ऐसी ही वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा ले रही बांग्लादेशी सेना के दस्ते ने भी राजपथ पर कदम ताल किया और इसके बैंड ने समा बांध दिया। Bangladesh Air Force led by contingent commander Lieutenant Colonel Abu Mohammed Shahano Shawan and his deputies Lieutenant Farhan Ishra and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Flanking him are two MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The RCO Karnik, captains of the other two aircrafts are Wing Commander Karan Deo with Flight Lieutenant A.S. Dhinsa and Squadron Leader H.J. Singh with Squadron Leader Shobhit Mishra. As a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 km per hour, carrying out a vertical charlie. गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी रखी गई। राजपथ पर कई लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया, साथ ही क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुत उत्साह वहां लोगों में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दर्शकों की संख्या सीमित की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। राजपथ पर न्यू इंडिया के अभिमान के साथ ही घातक हथियारों में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखाई दी। परेड के दौरान जहां टैंक T-90 भीष्म, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन BMP-2 सारथ,
ब्रह्मोस मिसाइल की मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम पिनाका का प्रदर्शन किया गया। वहीं पहली बार परेड में लड़ाकू विमान राफेल ने भी जलवा बिखेरा, जिसने हर किसी को जोश और जुनून से भर दिया। Yashabal, meaning horsepower is forever supreme. The regiment has won 39 battle honors and. Rajpath par sainya shakti ki jhalak. Aasman ka seena cheerte viman. C-130J aircraft is in formation. The C-130J is the special ops aircraft of the. Gantantra Divas par Bharat ki taakat ko dunya ne dekha. Parade mein T-90 tank Bhishma ka pradarshan kiya gaya. T-90 Bhishma. Of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifles. जिसका नेतृत्व कैप्टन करमवीर सिंह ने किया, जिसकी कमान संभाली है। राजपथ पर ब्रह्मोस मिसाइल की प्रणाली भी दिखाई गई, जिसने लोगों को रोमांच से भर दिया। फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम स्वामी शरणम अय्यप्पा। अगला दस्ता मल्टी लॉन्चर रॉकेट प्रणाली पिनाका का निकला। मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का ये रॉकेट बहुत कम समय में बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। परेड में समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी प्रदर्शित किया गया। यहाँ शिल का हथियार प्रणाली को भी दिखाया गया, जिसका नेतृत्व कैप्टन प्रीति चौधरी ने किया। Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making. राजपथ पर पहला मार्चिंग दस्ता जाट रेजिमेंट का नजर आया, जिसकी कमान कैप्टन ऋषभ सिंह संभवाल ने संभाली। महार रेजिमेंट ने राजपथ पर देश को अपने गौरवपूर्ण इतिहास की याद दिलाई। परेड में गढ़वाल राइफल्स का भी शौर्य दिखा। मद्रास रेजिमेंट, नौसेना और वायुसेना के दस्ते ने राजपथ पर अपने शौर्य से लोगों को रोमांचित कर दिया। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। हम रंग रंग हैं, फिर भी संग हैं, तीन रंग का एक निशान। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि ब्लैक कैट कमांडोज का दस्ता भी राजपथ पर गुजरा। सर्वोत्तम सुरक्षा एनसीसी, एनएसएस और सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ते ने राजपथ पर लोगों का मन मोह लिया। कि जवान शामिल, नेतृत्व नायब सूबेदार जीजे बीनू और नायब सूबेदार नागेंद्र कर रहे। परेड में वायुसेना की झांकी भारतीय वायुसेना शान से छुए आकाश की थीम के साथ नजर आई। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 को शामिल किया गया था। कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत इसका हिस्सा बनी और गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। फ्लाई पास्ट की शुरुआत एक डकोटा वायुयान, दो MI-17 हेलीकॉप्टरों के रुद्र फॉर्मेशन के साथ हुई। इस फॉर्मेशन की कमान के साथ चिनूक, अपाचे, मिग, ग्लोब मास्टर जैसे मारक और घातक विमानों ने अपने प्रदर्शन से लोगों को हैरान कर दिया। आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलल और इस दौरान वो पल भी आया, परेड में पहली बार हिस्सा ले रहे राफेल लड़ाकू विमान ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई। राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वर्टिकल चर्ली का फॉर्मेशन किया। ये हर भारतवासी के लिए गौरव से भरे क्षण थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 72वें गणतंत्र दिवस पर कोरोना संक्रमण के चलते भले ही राजपथ पर दर्शकों की संख्या सीमित रही, लेकिन बीते साल की तुलना में झांकियों की संख्या इस साल ज्यादा रही। राजपथ पर 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं। इनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, तो 15 झांकियां केंद्र के मंत्रालयों
और विभागों की रहीं। वैसे तो हर राज्य की झांकी में कुछ खास था, लेकिन लद्दाख और उत्तर प्रदेश की झांकी पर सबकी निगाहें टिक गईं। The parade begins with the tableaus. For the first time ever on Rajpath, the Union Territory of Ladakh. गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी राजपथ पर गुजरी। लद्दाख पहली बार गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल हुआ। इसमें लद्दाख की संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाया गया। झांकी की थीम भविष्य का विजन रखा गया। उत्तर प्रदेश की झांकी हर बार से अलग नजर आई। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, गोरख तुलसी सुर कबीरा, भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्ला खान। झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ मंदिर और राज्य पशु कस्तूरी मृग की झलक देखने को मिली। सब देख रहा संसारा। गुजरात की झांकी में मोढेरा के सूर्य मंदिर को दर्शाया गया। पंजाब की झांकी में नवे सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की महिमा को दर्शाया गया। झांकी की थीम श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती रखी गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान थीम के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया को दर्शाया गया। चुनौतियों से लड़ते हैं, आविष्कार हम करते, चुनौतियों से लड़ते, देश की है आन हम, देश की है शान। असम के चाय बागानों से जुड़ी जनजातियों और छत्तीसगढ़ के लोक संगीत की मधुर ध्वनियों वाली झांकियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर सहज ही खींच लिया। झांकियों में डिजिटल भारत, चार श्रम कानून, न्यू इंडिया, वोकल फॉर लोकल की झलक भी देखने को मिली। सीआरपीएफ और बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल हुई। स्कूलों के बच्चों ने ओडिशा का बजसाल नृत्य, तमिलनाडु का लोक नृत्य और हम फिट तो इंडिया फिट और आत्मनिर्भर भारत के विषयों पर नृत्य पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
और सभी को न्याय जैसे आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करें। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं को याद करने का दिन है, जिनके प्रयासों से पहले देश को आज़ादी मिली और फिर 26 जनवरी 1950 को देश का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में पुनः उदय हुआ। पिछले 70 वर्षों के दौरान जिस एकता और समरसता की भावना से देश ने निरंतर प्रगति की है, उसमें हमारे संविधान का सबसे बड़ा योगदान है। हमारा संविधान 7 दशकों के बाद भी समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का सशक्त माध्यम है। राजपथ पर मुख्य समारोह के अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी राज्यों की राजधानियों में तिरंगा फहराया गया और परेड का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में 72वां गणतंत्र दिवस पारंपरिक उल्लास और उत्साह से मनाया गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के इंदिरा गांधी सरानी में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भुवनेश्वर के गांधी मार्ग पर आयोजित रंगारंग गणतंत्र दिवस परेड के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महाराष्ट्र में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में एक रंगारंग कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नाटक में भी गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। राज्यपाल भुजाभाई वाला ने बेंगलुरु में तिरंगा फहराया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लद्दाख में ऊंची पर्वत चोटियों पर तैनात इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने भी गणतंत्र दिवस मनाया। आईटीबीपी जवानों ने लद्दाख में जमी झील के ऊपर हाथ में तिरंगा लेकर मार्च भी किया। आईटीबीपी जवानों की टुकड़ी में महिला जवान भी शामिल थीं। और 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कई देशों के शीर्ष नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को बधाई दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विश्वास के संबंध और मजबूत हो रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती साल दर साल बढ़ रही है। इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर भी साझा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। G'day and namaste. What a wonderful coincidence it is of our history that the 26th of January, Australia Day, is India's Republic Day, a national day shared between friends. Of course, Australia and India share more than our national day. We pursue the same ideals, the ideals of democracy, of freedom, of liberty, diversity, enterprise, opportunity, building a better world based on these important principles. Our history is long and our connections are many.
And with each year, we become even closer. The global pandemic has not divided us, but has made us appreciate these shared ideals even more. 6 months ago, my good friend Prime Minister Modi and I signed a comprehensive strategic partnership, a major step forward for our trade and investment, defence and scientific partnerships. It speaks to our trust in each other, our common interests and our common values. And we continue to nurture deep people-to-people ties, the threads that bind us together. One of the things we celebrate on Australia Day is our diversity. Today, there are more Australians with Indian ancestry than ever before. Great citizens, great neighbours, adding another dimension to our shared Australian story. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन मानवता को कोरोना वायरस महामारी से मुक्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। Today, as India celebrates Republic Day and the birth of the extraordinary constitution that established your nation as the biggest sovereign democracy in the world, I want to offer my sincere greetings to a country that is very close to my heart. I was hugely looking forward to joining you for this important occasion and the kind invitation of my friend Prime Minister Modi. Alas, our common struggle against COVID has kept me in London. As I speak, our two countries are working side by side to develop, produce and distribute vaccines that will help to free humanity from the pandemic. And thanks to the combined efforts of Britain, India and many other nations, we are on the road to success against COVID. So I look forward to visiting India later this year, strengthening our friendship and striving for the quantum leap in our relationship that Prime Minister Modi and I have both pledged to achieve. और गणतंत्र दिवस की परेड के बाद शाम को राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा देश के कई अति महत्वपूर्ण हस्तियां भी एट होम में शामिल हुईं। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस बार एट होम कार्यक्रम में अतिथियों की संख्या को बेहद सीमित रखा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों ने आज जमकर हिंसा और उपद्रव मचाया। उन्होंने बसों सहित कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर हमला भी किया। किसानों ने तय समय से पहले ही सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके कारण हंगामा शुरू हुआ। रैली के लिए तय किए गए रूटों की अनदेखी करते हुए किसान ITO की तरफ से नई दिल्ली में घुसे और लाल किले के अंदर भी दाखिल हुए। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने का किसानों का दावा हवा हो गया। एक तरफ देश मंगलवार को जब 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसान नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए हिंसा और उपद्रव मचा रहे थे। प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ बनी सहमति का उल्लंघन किया और बैरिकेड तोड़कर तय समय से पहले ही दिल्ली की सीमाओं में दाखिल हो गए। सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसान लाल किला पहुंच गए और जबरन अंदर दाखिल हो गए। किसानों ने दिल्ली के ITO पर भी काफी उपद्रव मचाया। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया और सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा की वजह से राजधानी दिल्ली में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को खराब किया, जो उनसे अपेक्षित नहीं था। जो उग्र किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। किसानों के हिंसक उपद्रव की वजह से
मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दर्जनों मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की आज आपातकालीन एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अमित शाह को ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर जानकारी दी। बैठक के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी की गई। इस दौरान कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक 2021 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। IMF के अनुमान के मुताबिक साल 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 11.5% की दर के साथ बढ़त होगी। IMF के मुताबिक कोरोना महामारी के असर के बावजूद भारत ही एकमात्र ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी जिसकी रफ्तार चालू वित्त वर्ष में दुनिया भर में दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ दर्ज की जा सकती है। अर्थव्यवस्था की बढ़त के मामले में भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन को रखा गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था में 8.1% की रफ्तार के साथ बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं 2021 के दौरान ग्लोबल इकॉनमी में 5.5% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें, अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। आखिर में एक बार फिर राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।